हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो इस चैप्टर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में वीडियोस देखनी है तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगी, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच दैट। सो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से ही मे बी आप ये सब आप सब लोगों को पता होगा कि इसमें मेल और फीमेल दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म खुद ब्रेक होके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर देता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। सो जनरली हम यहाँ देखिए, हम मेल को इस तरह से ये वाला सिंबल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये साइंटिफिक सिंबल्स हैं, यू कैन आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ये फीमेल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्सेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो ये एक नेचुरल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को मिलता है, और बहुत सारे प्लांट्स में भी ये देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है, इससे क्या होता है। इसमें बेसिकली अगर आपको देखने वाली बात यही है कि वेरिएशन आने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्लोन्स, पेरेंट्स के क्लोन्स एज इट इज प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होके, ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दोनों के करेक्टर्स हाफ हाफ आते हैं, सो दैट क्रिएट्स वेरिएशन। सो वेरिएशन का फायदा क्या है, वेरिएशन जब भी कुछ चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, सो जो सर्वाइवेबिलिटी होती है वो वेरिएशन ही लेकर आती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर डीएनए मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज आ गया, डीएनए ने कॉपी करते हुए कुछ चेंज ला दिया, सो उसमें क्या हो जाएगी, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, वेरिएशन आ गई। और वो जितनी ज़्यादा वेरिएशन हो जाती है, मतलब धीरे धीरे वेरिएशन आती है, अगर वो वाले उनकी सर्वाइवल सर्वाइवेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं विद चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो जो ये सीधा काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, ये मोर वेरिएशन क्रिएट करती है, और जिससे कि क्या होता है, न्यू वेरिएंट्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से, दे आर बेटर वर्जन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, ऑल दीज वेरिएशन एक्यूमुलेट होती हैं जनरेशन से जनरेशन में, पास होती चली जाती है। ठीक है, सो नई जनरेशन में जो डीएनए होता है, हमने पहले बात की थी ना, सेल होता है, सेल के अंदर इस तरह से सेलुलर अपरेटस होता है, इसके अंदर क्या पास होता है, डीएनए। डीएनए एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ठीक है, तो आप अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए की अमाउंट डबल नहीं होती, कि पेरेंट्स से अगर दो पेरेंट मिलके एक चाइल्ड बना रहे हैं तो उस चाइल्ड में डबल डीएनए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन का पार्ट होता है जिसे मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में फिर पढ़ते हैं, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जस्ट टू क्रिएट वेरिएशन, एंड वेरिएशन हेल्प्स इन, वेरिएशन किस में हेल्प करती है, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज वेन द टेम्परेचर कंडीशंस और एनी एनवायरमेंटल कंडीशंस अकर, सो सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज वेरिएशन हेल्प करती है उनमें। सो नाउ अगर मियोसिस के टाइम में हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो अब देखिए, अगर हम लोग दो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मेल और फीमेल, तो दोनों के अंदर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर उनके सेल्स होंगे जिन्हें हम लोग जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो उनके अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं और गैमीट्स होते हैं, ये एक ही टर्मिनोलॉजी है, कन्फ्यूज मत होइए। जब भी गैमीट्स लिखा हो, जर्म सेल्स लिखा हो, सेक्स सेल्स लिखा हो, दे आर ऑल सेम। तो जो मेल में होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स होते हैं, जो फीमेल में होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स सिमिलरली। तो
तो इनमें क्या होता है कि मियोसिस में, मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है एज कम्पेयर टू जितने भी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स, हम सेक्स सेल्स की बात करेंगे, और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बाकी सारे सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होती है, और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। तो जो गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स मेल मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, वो मिलके क्या बना देते हैं? जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट बना के एक नया इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स, तो ये तो था बेसिक एक प्रोसेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्यों है। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्या चीज़ और वो कैसे होती है, ठीक है। क्यों होती है पढ़ लिया, देर आर सो मैनी क्वेश्चन, क्यों होती है पढ़ लिया, क्या होती है, नाउ वी विल सी, एंड कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। सारे प्रोसेसेस हम लोग धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो दो जर्म सेल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है, दे आर सिमिलर, तो दोनों की फ्यूजन होती है, दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। प्रोसेस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो दोनों जर्म सेल्स, जो दोनों सेक्स सेल्स होते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, वो डिफरेंट होते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है? जो फीमेल गेमीट होता है ना, जो फीमेल गेमीट की अगर हम बात करें, तो वो क्या होता है, ये अगर फीमेल गेमीट की बात करें, ये बड़ा होता है और इसमें फूड स्टोर हो जाता है। जबकि जो मेल गेमीट होता है, अगर इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये छोटा होता है और मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब मूवेबल, मूव कर सकता है, सो इसे मेल गेमीट बोला जाता है। ये दोनों डिफरेंसेस मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि ये अगर आपको 1 मार्क में, 2 मार्क में अगर पेपर में आ रहा है, सो यू कैन राइट इट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेल मेल गेमीट्स एंड फीमेल गेमीट्स। सो कन्फ्यूज नहीं होना, जर्म सेल्स की बात कर ली तो वो क्या हो गया, या मेल गेमीट्स की बात कर ली वो क्या हो गया, सो दे आर सेक्स सेल्स ओनली, ठीक है। और एक डिफरेंस जो आपके एक क्वेश्चन में एक और आने के चांसेस होते हैं, ए सेक्शुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी आपके एग्जाम्स में आने के 2 मार्क्स में चांसेस होते हैं या 3 मार्क्स में, सो आप उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि फ्लावर्स में, अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में कहाँ कैसे होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सबसे पहले ये अगर फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए, ये फ्लावर है, ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। ये वाली जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल। जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं सेपल। तो सोचिए, जब फ्लावर छोटा होता है, बंद होता है, जो बाहर उसका बाहर ग्रीन ग्रीन सा स्ट्रक्चर होता है उसे सेपल बोला जाता है। और जो ये कलरफुल सा फ्लावर है, कलरफुल सा पार्ट होता है फ्लावर का, इसे बोलते हैं पेटल, पेटल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो उसके अंदर अब मेल और फीमेल गेमीट्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। सो आई होप दो 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 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, सेपल क्या होते हैं और पेटल्स क्या होते हैं। अगर इन दोनों में फर्क पता हो, सेपल्स जो ग्रीन पार्ट होते हैं और जो कलर्ड पार्ट सेपल के अंदर होते हैं उसे पेटल बोला जाता है। और फ्लावर्स के अंदर दो चीज़ें और होती है, एक स्टेमन होता है, एक पिस्टिल होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, स्टेमन और पिस्टिल। सी द टर्म, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये फ्लावर्स के अंदर 4 चीज़ें पढ़ी हमने, आउटर मोस्ट ग्रीन लेयर सेपल, उसके बाद कलर्ड लेयर पेटल, अंदर उसकी होती है स्टेमन्स, और क्या होता है? पिस्टिल, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें एक ये टर्मिनोलॉजीज मैं मोटी मोटी सी आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर आपके पेपर में 1 मार्क्स में या MCQs में आते हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज। यूनिसेक्शुअल फ्लावर क्या होता है? जिसके अंदर कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो आइदर इट हैज स्टेमन्स और इट हैज पिस्टिल, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्शुअल फ्लावर, सिंगल सेक्स फ्लावर, जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। जिसमें दोनों होंगे उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है, जिसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा वो उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। ओके, क्लियर। चलो अब हम पार्ट्स की बात करते हैं, फ्लावरिंग पार्ट्स की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेपल, पढ़ा देन हमने पेटल पढ़ लिया। अगर हम लोग अब इसके बाद इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये सेपल हो गया, ये कलरफुल सा पेटल हो गया। अब
स्टेमन की बात करी थी हमने, तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये जो लंबा लंबा सा, ये लंबी सी लाइंस देख रहे हो, ट्यूब सी, ये क्या है? ये है फिलामेंट। इसे क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और जो ये ऊपर इसके ये येलो सा स्ट्रक्चर है, इसे बोला जाता है एंथर। इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर हम लोग देखें इधर, ये वाला पार्ट, ये है स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा। और ये क्या है? लंबी सी जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है स्टाइल। क्या है? स्टाइल। और ये नीचे जो है, दिस इज, ये राउंड सा ये स्ट्रक्चर है ओवरी। क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। सो बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके क्या बन जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे बोला जाता है पिस्टल। सो दिस इज क्लियर। रिवाइज कर लेते हैं हमें एक बार फिर से। सबसे पहले जो आउटर ग्रीन पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेपल। ये वाला, ये सेपल। ये जो कलर्ड पार्ट है, ये पेटल। और इसके अंदर, फ्लावर के अंदर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखा रखा है। ये जो लंबा वाला पार्ट है, दिस इज फिलामेंट। और ये ऊपर वाला एंथर, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्टेमन। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये स्टिग्मा। ये लंबी सी ट्यूब है जो स्टिग्मा के साथ अटैच्ड है, दैट इज स्टाइल। और ये नीचे जो ओवल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बना देते हैं पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है, इस ये क्या करता है? जो इसके एंथर्स है ना, ऊपर वाले एंथर्स जो होते हैं ना, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या चीज़ है? पोलन ग्रेन्स है मेल के जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, दिस इज पोलन ग्रेन्स। ये एंथर हो गया, एंथर में ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल। अब जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स ने ये यहाँ तक, ओवरी तक, पोलन ग्रेन्स ने ओव्यूल तक पहुँचना है। तो वो कैसे पहुँचते हैं? कैसे पहुँचते हैं? ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज पोलिनेशन। कैसे पहुंचते हैं? पोलिनेशन के थ्रू। पोलिनेशन क्या होता है? जब पोलन्स का स्टेमन से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, पहुंचना, ये वाला स्टेमन है, स्टेमन से स्टिग्मा तक पोलन्स का पहुंचना, दिस इज, ये येलो कलर के पोलन्स यहाँ पहुंच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। ये दो तरह से पोलिनेशन हो सकती है, फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर सेम वहाँ के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, एंथर से यहाँ से स्टेमन से स्टिग्मा तक पोलन्स का पहुँचना इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि एक फ्लावर के स्टेमन से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पोलन्स का पहुँचना इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें दो फ्लावर्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, और वो कुछ एजेंट्स के थ्रू, एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स, दैट मीन्स कि हवा चल रही है, हवा क्रॉस करके ले गई, हनी बीज, दे आर वन ऑफ द मेजर पॉलिनेटर्स। ठीक है, जो सारी पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं, विंड हो गई, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड, कुछ भी बर्ड्स हो गए, किसी भी तरह से पॉलिनेशन जो होती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। सेम फ्लावर में जो हो जाती है उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। ओके, तो हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और किस प्रोसेस से स्टेमन्स जो हैं स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उसे पॉलिनेशन बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, अब ये देखिए प्रोसेस क्या होता है। ये अगर हम लोग बात करें तो ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आए। ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर एक कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स आके वहाँ पे स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आए, पोलन ग्रेन्स वहाँ पे स्टिक कर गए, पोलन ग्रेन्स ने एक ट्यूब सी फॉर्म कर ली यहाँ पे, जिसे बोला जाता है पोलन ट्यूब। क्या बोला जाता है? पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो ये पोलन्स थे,
ये हमारी ओवरी तक पहुंच गए। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल सो मेल जर्म सेल्स फीमेल जर्म सेल्स के साथ फ्यूज कर गए, तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बन गया? जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट। सो जाइगोट जो है वो डिफरेंट सेवरल टाइम्स उसकी डिवीजन होती रहती है, होती रहती है, तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बन के वो क्या बन जाता है? सीड। सो बेसिकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, जो ओवरी होती है ना हमारी, ओवरी होती है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में, फ्रूट फॉर्म हो जाता है। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल था उसके अंदर, ओव्यूल था जो, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा सीड। क्या बन जाता है? सीड। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। सो इस तरह से पॉलिनेशन हो जाती है और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म कर देती है, राइट? और जो पेटल्स, सेपल्स, बाकी सब कुछ है वो क्या होता है? वो फॉल ऑफ कर जाता है, वो टूट के गिर जाता है। और जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड जिसे हम लोग अगर सूटेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं तो वापस से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये तो आप सब लोग को पता है कि सीड से किसी भी प्लांट को हम लोग ग्रो कर सकते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस। सो दिस इज क्लियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट विद दिस, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।